अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज 44। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच जो लड़ाई है वो बरकरार है। कल एसीबी के ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार करने के बाद सियासी जंग जो है वो एक बार फिर से बढ़ गई है। आज आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया है कि अमानतुल्लाह खान के घर से पुलिस को कुछ नहीं मिला है और जो वीडियो सोशल मीडिया पर बीजेपी की ट्रोल आर्मी जो है वायरल कर रही है वो सरासर निराधार है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि जिस तरीके से अमानतुल्लाह को एक निराधार जो केस है उसमें फंसाया जा रहा है वो सरासर बिना सिर पैर का केस है और 2020 का मामला है जिसमें अब तक पुलिस को जब कुछ नहीं मिला तो उनको फंसाने की साजिश की जा रही है। असल बात यह है कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता को देखकर भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और गुजरात में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ऐसे कदम उठा रही है और पुलिस पर एजेंसियों पर इस कदर दबाव बना रही है कि किसी भी तरीके से आम आदमी के पार्टी के नेताओं और विधायक मंत्रियों पर जो है वो झूठे आरोपों में उन्हें फंसाया जा सके। और ये वीडियो ना होती तो हमें भी ऐसा यकीन करना पड़ता कि पता नहीं अमानतुल्लाह खान के घर क्या मिला है। तीसरी बात, कल पुलिस ने 3 FIR दर्ज करी हैं। एक किसी हामिद अली खान के ऊपर जिनका अमानतुल्लाह से कोई लेना देना नहीं है, कोई वो बिजनेस पार्टनर नहीं है किसी के। दूसरा कौशर इमाम सिद्दीकी। तीसरी एक FIR दर्ज की है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एसीबी स्टाफ। आप इसमें देख सकते हैं एसीबी के लोग जब अमानतुल्लाह खान के घर से निकल रहे हैं तो कह रहे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक चीज होती है सच, एक होता है परसेप्शन। एसीबी ने जानबूझ के खबर इस तरीके से मीडिया को दी ताकि भारतीय जनता पार्टी के जो ट्रोल है का जो सोशल मीडिया है इसका दुरुपयोग कर सके और अब इस खबर को चलाया जा सके कि आम आदमी पार्टी के विधायक के यहां जो है बंदूकें मिली, कैश मिला, जिंदा कारतूस मिले। जबकि पुलिस की FIR के आधार पर ही ये बात मैं बता रहा हूं कि वो पूरी तरह से गलत है। 2020 जनवरी का मामला है, 2 साल 9 महीने हो गए, अब चल रहा है सितंबर 2022। ये तो इन्वेस्टिगेशन है करें, मगर ड्रामेबाजी क्यों कर रहे हैं? अगर 2 साल 9 महीने में इनसे इन्वेस्टिगेशन तो हुई नहीं अब तक और ये कोरी ड्रामेबाजी करके माहौल बनाया जा रहा है। ये सिर्फ ये है कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी घबराई। अमानतुल्लाह खान को कल एसीबी ने गिरफ्तार किया था और एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है जिसमें करीब 24 लाख रुपए कैश, कुछ जिंदा कारतूस और एक पिस्टल दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी ने एक और वीडियो जारी किया है और उस वीडियो में ये कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि वो वीडियो अमानतुल्लाह खान के खुद के घर से यानी फ्लैट से जो है वो जारी किया गया है जिसमें पुलिसकर्मी जो है पूरी छानबीन करने के बाद बाहर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं मिला है। तो ये सियासी जंग जो है दोनों दलों के बीच दरमियान जो है वो चल रही है। अब देखना होगा कि ये कहाँ जाकर टिकती है। मेरे कैमरा पर्सन सहयोगी निखिल के साथ मैं जिब्रान जर्रार खान, न्यूज 44 दिल्ली। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज 44।